स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान दे रहे होंगे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑब्वियस सी बात है कहीं भी बाहर जाएं तो जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है बाहर की तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपना ख्याल रखें एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू फॉलो द सेफ्टी मेजर्स फॉलो द safety measures not only inside your house but also outside your house. so try to take care of yourself and try to help your parents, your family also, uh, the family members. and i hope ki, uh, you all are fine with all the situation going around us. i hope that uh, you are taking care of yourself and your studies. so we're going to start with the lecture and uh, i want to remind you all once again, ki if there is any doubt, if there is anything you are not able to understand, please ask. We are going to have a continuous Google Meet. Like uh, the, those uh, Google Meets will be like, I'll give you the time and uh, we'll have the meeting on the next turn, on the next day. And um, in that uh, meet, whatever you want to ask regarding your copy, may it be your copy work, uh, fair or practice copy, may it be the questions or the examples or the concepts. That I have discussed in the video, and you are not able to understand it, you have doubt in it, we will discuss it there. So, it is a request ki, uh, because on the last turn, uh, very few students have joined the meeting. On the last turn, very few of you had uh, been in the meeting. So, I expect you all to join the meeting as soon as the uh, time is given so that we can discuss and we can be very thorough with the chapter. Understood? So, uh, do not uh, be late in the meeting. Obviously, when the time is given to you, join the meeting at that time only. And uh, we wish you, uh, everyone from here, we wish you all the very best for your studies, for your. So that uh, you can increase your knowledge, you can understand the concepts properly. Now, we are going to start with the lecture and we are going to see how we have to solve the exercises. आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेखीय समीकरण जो कि है चैप्टर नंबर सिक्स ठीक है अब इसके पहले भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हमने स्किप किए हैं जो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं रेखीय समीकरण और इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है आपको पता है कि किसी भी समीकरण के व्यंजक के चर में यह प्रतिबंध है कि वो जो चर हो वो दोनों पक्षों के व्यंजकों के मान के बराबर होते हैं यानी कि जब हम बात करते हैं किसी समीकरण व्यंजक की तो अगर वो मान लीजिए दिया हुआ है आपको कि ए एक्स प्लस बी बराबर सी ऐसे करके अगर आपको दिया हुआ है तो कुछ चीजें हैं जो कि पहले हम ध्यान रखेंगे क्या कि ए बी और सी ये क्या है अचर है जिसको कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं और एक्स यहां पर क्या है चर है जिसको कि हम क्या कहते हैं वेरिएबल जब भी हम इस तरीके के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसी डेफिनेशन है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट या अचर हम उनको कहते हैं जिनका कि मान नहीं बदलता है जैसे कि दो हो गया पाँच हो गया माइनस सात हो गया माइनस तीन बटा चार हो गया ये सारी फिक्स्ड वैल्यूज हैं इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा तो इसलिए हम इनको कांस्टेंट या अचर कहते हैं चर किसको कहते हैं वेरिएबल को वे वेरिएबल में जो शब्द है वेरी उसका मतलब होता है बदलना तो ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जैसे एक्स वाई जेड चर को डिनोट uh, करने के लिए हम अल्फाबेट का यूज करते हैं वो एक्स वाई जेड ऐसे करके हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं या फिर टी का यूज करते हैं जनरली हम इनका ही यूज करेंगे और जब हम C करके यूज कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि वो क्या है कॉन्स्टेंट्स अगर हम एक्स वाई जेड या टी इस तरीके के टर्म्स को यूज कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि वो क्या है चर ठीक है अब ये डेफिनेशन हो गई कॉन्स्टेंट की और वेरिएबल की अगली चीज आती है कि अगर हम कॉन्स्टेंट्स को हमने यहाँ क्या लिखा है ए मल्टीप्लाई किया एक्स से उसमें जोड़ दिया बी और ये बराबर है सी के तो अगर कुछ ऑपरेशन के साथ यानी कि गुड़ा भाग जोड़ घटाना इन सारी चीजों के साथ हम चर और अचर में कोई एक संबंध स्थापित करते हैं एक रिलेशन बनाते हैं तो वो क्या होता है समीकरण कहलाता है जब हमारे पास क्या हो इक्वल का साइन हो यही अगर इक्वल का साइन नहीं होता यानी कि हमने सिर्फ ए एक्स प्लस बी लिखा होता तो इसको हम क्या कहते एक्सप्रेशन लेकिन जब इसी में हमने इक्वल करके यहां कोई एक चीज लिख दी मान लीजिए सी लिख दिया तो ये जब हम इक्वल का साइन बना देते हैं तो ये चीज क्या बन जाती है तब ये बन जाता है इक्वेशन और इक्वेशन को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं समीकरण ठीक है अगली चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रेखीय है समीकरण तो रेखीय समीकरण क्या होता है कि जब ऐसा ही कोई समीकरण दिया हो और इसमें जो वेरिएबल है जैसे एक्स है यहाँ पर वेरिएबल तो इसका जो पावर है वो वन हो यानी कि हमारे इक्वेशन में हमारे समीकरण में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबका पावर अगर वन आता है तो हम उसको क्या कहते हैं रेखीय है समीकरण अब ये कितने तरीके का हो सकता है सबसे पहला ए एक्स प्लस बी बराबर सी यानी कि मान लीजिए हो सकता है ये सेवन एक्स प्लस टू बराबर फाइव ऐसा करके कुछ यहां आप देख सकते हैं कि x का पावर क्या है वन x की पावर वन को हम x लिखते हैं ऐसे ही दूसरा ये और क्या तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी जहाँ ए और सी आपस में बराबर नहीं है जैसे कि टू एक्स प्लस थ्री बराबर फाइव एक्स प्लस सेवन ये भी क्या है एक रेखीय समीकरण है, है क्यों क्योंकि यहाँ पर x का पावर जो है यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन तीसरा इसी को ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी बराबर के जहां पर कि ए सी बी डी और के ये सब क्या है कांस्टेंट है यानी कि अचर है और एक्स क्या है चर है यानी कि वेरिएबल है आप देख सकते हैं यहां भी एक्स का पावर वन है और यहाँ भी एक्स का पावर वन है तो ये क्या हो गया रेखीय समीकरण हो गया एक ही वेरिएबल में यहाँ पे हम इन सारे केसेस में हमारे पास क्या है एक ही चर है एक चर क्या एक्स इसी तरीके से अगर हम चाहें तो ये जहां x लिखा था उसको हमने y से रिप्लेस कर दिया अगर तो ये क्या हो जाएगा एक रेखीय समीकरण हो जाएगा और यहाँ पर चर क्या है y तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये रेखीय समीकरण की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि रेखीय समीकरण होते क्या है और किस तरीके से उनका हल निकाला जाता है तो डेफिनेशन तो हमने समझ ली अब हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं जिनको कि हमें सॉल्व करना है अगली चीज़ हम देखेंगे समीकरण बनाना यानी कि आपको कोई एक सिचुएशन दी होगी और उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में गणतीय रूप में उसको क्या करना होगा उसकी सहायता से समीकरण बनाना होगा जैसे आपको एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिमरन के पास मुझसे पाँच रुपये अधिक है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका गणतीय रूप क्या होगा मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा वो आप दिखाइए तो सबसे पहली चीज क्या है कि सिमरन के पास मुझसे पांच रुपए अधिक है तो हम मान लेंगे मान लेते हैं कि मेरे पास एक्स रुपीज हैं ध्यान से समझेंगे कि मान लेते हैं मेरे पास एक्स रुपीज है यहीं से स्टार्ट होता है क्या कंसेप्ट रेखीय समीकरण का कि हमें यह तो पता नहीं है कि हमारे पास अभी कितने पैसे हैं तो हमने अपने मन से कुछ मान लिया एक्स अब एक्स कुछ भी हो सकता है हो सकता है हमारे पास दस रुपए हो, हो सकता हमारे पास पचास रुपए हो तो मान लेते हैं कि मेरे पास x रुपीज हैं तो सिमरन के पास कितने होंगे मेरे पास जितना भी है सिमरन के पास पाँच अधिक है तो सिमरन के पास हो जाएगा x प्लस फाइव यानी कि x में हमने पाँच जोड़ दिया अब इस x का मान कुछ भी हो सकता है अगर हमारे पास मेरे पास अगर दस रुपये हैं तो सिमरन के पास पंद्रह होंगे अगर मेरे पास बीस रुपये हैं तो सिमरन के पास पच्चीस होंगे ऐसे ही करके हमने क्या किया एक रिलेशन स्टैब्लिश किया एक समीकरण मान बनाने की कोशिश की जिसमें कि हमें पता है कि सिमरन के पास मुझसे पाँच अधिक हैं मान लेते हैं इसी में प्रश्न में आगे दिया है कि और इसका जोड़ पचपन है यानी कि मेरे और सिमरन के पास जो पैसे हैं उसको मिलाकर के टोटल कितना आ रहा है पचपन आ रहा है आपको पता करना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं तो ये मेरा हो गया ये सिमरन का हो गया हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे एक्स और सिमरन के पास जो है वो एक्स प्लस इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है पचपन आ रहा है ठीक इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे एक एक्स और दो एक्स तो एक्स इनको जोड़ेंगे टू एक्स हो जाएगा और प्लस फाइव बराबर क्या हो जाएगा फिफ्टी फाइव ये क्या बन गया एक समीकरण बन गया और इसका फॉर्म क्या है ए एक्स प्लस बी बराबर सी ए की वैल्यू टू है बी की वैल्यू फाइव है और सी की वैल्यू फिफ्टी फाइव है ठीक है तो आपके बुक में ऐसे काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको रीड करके उनसे समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ते हैं पहले तरीके का क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज में मिलेगा वो इस तरीके का होगा ए एक्स प्लस बी बराबर सी और इसको आपको सॉल्व करना होगा तो यहां हम करते क्या पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके ही बेसिस पे कोई क्वेश्चन देखेंगे तो यहां आप सबसे पहले क्या करेंगे ए एक्स बराबर c माइनस बी यहां इंप्लाइज का साइन बनाएंगे ध्यान से देखिए कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने क्या किया इस तरफ भेज दिया ए एक्स बराबर बी को इधर भेजा तो c पहले से लिखा होता वो लिख दिया और b को इधर भेजा है क्योंकि यहां पर प्लस था जब हम इसको इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा साइन बदल जाता है प्लस का माइनस हो जाता है माइनस का प्लस तो यहां पर प्लस बी था इधर भेजा तो वो क्या हो जाएगा माइनस बी और फिर यहां से एक्स कितना हो जाएगा सी माइनस बी बाई ए यहां पर ए क्या है गुड़े के फॉर्म में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है जब मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाता है तो डिविजन हो जाता है ऐसे समझते हैं कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इधर साइड में बना हुआ है इक्वल टू ठीक है तो प्लस जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा माइनस जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा और डिवाइड जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा इसको समझने के लिए हम आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन है कि थ्री एक्स माइनस फाइव बराबर फोर और आपका आपको क्या करना है क्वेश्चन का आंसर निकालना है और फिर उत्तर की जांच करनी है सबसे पहले हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे ध्यान से देखिए क्या करना है थ्री एक्स अब ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस फाइव और मैंने आपको बताया कि माइनस जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है आप क्या करेंगे थ्री को ऐसे ही रहने देंगे बराबर का साइन लगाएंगे यहाँ फोर लिखा है हमने ऐसे ही फोर उतार दिया अब हम माइनस फाइव को इस तरफ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस फाइव हो जाएगा यानी ये हो गया थ्री एक्स बराबर फोर और फाइव कितना होता है नाइन होता है यानी x बराबर मैंने क्या बताया था कि अगर इधर कोई नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो ऑपोजिट साइड में जाके क्या हो जाता है डिविजन के फॉर्म में ये हो जाएगा नाइन बाई थ्री अब थ्री से नाइन को डिवाइड करेंगे कितना आएगा थ्री और यही हमारा है आंसर अगली चीज जो आपको करनी है वो है कि उत्तर की जांच करनी है यानी कि आपको उसका सत्यापन करना है तो इसके लिए हम एक साइड लेकर के चलेंगे कौन सी वाली देखिए हम लिखेंगे थ्री एक्स माइनस फाइव ये वाली साइड लेकर चलेंगे जहाँ पर कि एक्स दिया हुआ है इसको निकालते हैं तो थ्री इन ये थ्री का मतलब क्या है थ्री इन है तो हमने लिखा थ्री इन टू अब x की वैल्यू कितनी आई अभी अभी हमारी थ्री आई है वो लिखा माइनस फाइव ये क्या हो गया नाइन माइनस फाइव जो कि कितना आता है फोर आता है अब यहाँ भी फोर था और ये भी साइड आपका क्या आया था फोर आया था यानि कि एल हम यहाँ से एल लेके चले थे और फाइनली जब फोर आया तो वो आर के बराबर हो गया यानि कि यहाँ पर हमने क्या किया सत्यापन कर लिया अगले तरीके का जो प्रश्न आपको मिलेगा वो है कि ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी और ए और सी की वैल्यू बराबर नहीं होगी इसको समझते हैं कि ए और सी की वैल्यू बराबर क्यों नहीं होगी मान लीजिए ए सी बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बराबर ए एक्स प्लस डी अगर ये दोनों ए और सी बराबर होता मान लेते हैं कि ए बराबर है सी के तो ऐसे लिखते हैं अब यहाँ से ए एक और एक्स कट जाता बी बराबर डी मिल जाता यानी कि कोई ऐसा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता तो हम मान के चलेंगे कि ए और सी आपस में बराबर नहीं है और उन्हीं इक्वेशंस को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है कैसे करेंगे काम क्या होता है कि हम वेरिएबल को एक साइड करते हैं कॉन्स्टेंट को दूसरे साइड यानी कि ये जो एक्स वाला टर्म है उसको एक तरफ करेंगे और जो कॉन्स्टेंट वाला टर्म है वो एक तरफ चर एक तरफ जाएगा और अचर दूसरी तरफ तो यहां पर ए एक्स हम लिख देते हैं पहले से लिखा हुआ है हम सी एक्स को इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे आप देख सकते हैं कि यहां कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब साइन है पॉजिटिव तो जब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव यानी कि ए एक्स माइनस सी एक्स हो जाएगा बराबर यहां डी लिखा हुआ था तो डी हमने ऐसे ही लिख दिया अब इस बी को इधर भेजेंगे तो माइनस बी हो जाएगा यहां से अगर हमने एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए माइनस सी बराबर d माइनस बी या फिर x बराबर क्या हो जाएगा d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी और यही हमारा क्या होगा आंसर इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इसका कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का क्वेश्चन है कि 18 माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस सिक्स पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसका सत्यापन करेंगे तो हमारे सबसे पहले काम किया है कि हम ये जो टर्म्स हैं y के साथ वाले इनको एक तरफ करें और ये जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं इनको दूसरी तरफ तो चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ माइनस फाइव वाई हमने एम्प्लाइज का साइन बनाया और यहाँ लिखा माइनस फाइव वाई ये थ्री वाई इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस थ्री वाई बराबर यहाँ माइनस सिक्स पहले से था और ये एटीन इधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस एटीन ठीक है, माइनस फाइव वाई और माइनस थ्री वाई ये सारी चीजें हमने इंटीजर्स में पढ़ी थी स्टार्टिंग के लेक्चर में ये कितना हो जाएगा माइनस एट वाई बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस एटीन और सिक्स ऐड करने पे ट्वेंटी फोर ठीक है यहां से वाई निकालेंगे माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन माइनस एट क्योंकि यहां पर माइनस एट मल्टीप्लीकेशन में था या डिविजन में हो जाएगा और इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया ये कितना हो जाएगा एट टू झा सिक्सटीन एट थ्री झा ट्वेंटी फोर यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई थ्री आ गई अब हमें क्या करना है इसका सत्यापन करना है तो एक बार हम एल लेके चलेंगे एल में क्या लिखा है एटीन माइनस फाइव वाई इसका मान निकालते हैं ये हो जाएगा एटीन माइनस फाइव इन थ्री दैट इज एटीन माइनस फाइव थ्री जिफ्टीन और पंद्रह के बाद सोलह सत्रह अट्ठारह तो ये हो गया तीन ऐसे हम आर एच एस निकालते हैं तो आर एच एस में क्या लिखा है थ्री वाई माइनस सिक्स यहां लिखते हैं थ्री वाई माइनस सिक्स बराबर थ्री इन टू की वैल्यू है थ्री माइनस सिक्स यानी कि नाइन माइनस सिक्स जो कि क्या आता है थ्री अब आप देख सकते हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों की वैल्यू थ्री आ रही है यानी कि एल एच एस बराबर है RHS के हैंस वेरीफाइड यानी कि सत्यापन कर दिया है हमने तो इसी तरीके से आपको क्या करना है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो हर क्वेश्चन जो इस तरीके का है उसको आप इसी तरीके से क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब जो तीसरे तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलेगा वो इस तरीके का है कि ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी बराबर के जहां की जो सी एक्स प्लस डी है और ये क्या है डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने ये सेम कंसेप्ट जो आता है वो रैशनल नंबर से आता है परिमेय संख्या से कि डिनोमिनेटर की वैल्यू किसी फ्रैक्शन में हम जीरो नहीं ले सकते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए इसको हम मान लेंगे कि के अपॉन वन है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे लिखेंगे ये जो वन है वो यहां मल्टीप्लाई हुआ तो वन इन टू ए एक्स प्लस बी बराबर होगा k इंटू सी एक्स प्लस डी के एम्प्लाइज वन को पहले ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वन को b से वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आएगा प्लस वन को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा फिर यहां भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जब k को सी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इन टू सी एक्स आएगा और फिर k को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो के डी आएगा अब उसी फॉर्म में आ चुका है जो कि हमने सेकंड सेकंड टाइप के केस में पढ़ा था यहां से हम ए एक्स माइनस के सी एक्स एक्स वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे एक्स कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा ए माइनस के सी बराबर के डी माइनस बी और फाइनली हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी के डी माइनस बी अपॉन ए माइनस के सी स्टेप हमारा हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके का होगा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे एक्सरसाइज सिक्स बी के क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट है कि फोर प्लस सेवन एक्स अपॉन सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल्स टू इलेवन बाई ट्वेल्व तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे उत्तर और कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझेंगे सबसे पहले इस ट्वेल्व को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ठीक है यानी कि ट्वेल्व को हमने इधर मल्टीप्लाई करना है सिक्स एक्स प्लस टू को इधर मल्टीप्लाई करना है ये सिंबल आप कॉपी में नहीं बनाएंगे सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूं अब इस ट्वेल्व को इधर मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा ट्वेल्व और ये ब्रैकेट में लिखेंगे फोर प्लस सेवन एक्स बराबर इलेवन और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या सिक्स एक्स प्लस टू अब हमें पता है कि ऐसे करके हमें मल्टीप्लाई करना है तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा ट्वेल्व को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट प्लस ट्वेल्व सेवन जा एटी फोर एक्स याद रखेंगे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वैसे ही रह जाता है फिर बराबर है इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स प्लस इलेवन टू जा ट्वेंटी टू ठीक है एम्प्लाइज अब x वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो एटी फोर एक्स माइनस ये है सिक्सटी सिक्स एक्स एटी फोर एक्स माइनस सिक्सटी सिक्स एक्स बराबर होगा ट्वेंटी टू माइनस फोर्टी एट के एटी फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स बराबर हो जाएगा कितने के एटीन एक्स के इक्वल्स टू फिर हम क्या करेंगे ट्वेंटी टू में से फोर्टी एट को घटाएंगे कितना आएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स यहां से एक्स कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स बाई एटीन अब माइनस ट्वेंटी सिक्स बाई एटीन को अगर आप सिंपलीफाई करना चाहें तो आप इसको टू से कट कर सकते हैं टू नाइन जाए और टू थर्टीन जाए यानी कि माइनस थर्टीन बाई नाइन क्या हो गया आंसर ये कैसे कट किया है हमने ट्वेंटी सिक्स और एटीन का एच सी एफ निकाला वो आया टू और उसी से इन दोनों को क्या किया डिवाइड कर दिया जैसा कि हमने रैशनल नंबर्स में पढ़ा था तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस थर्टीन बाई नाइन ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अभ्यास सिक्स uh, ए का क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है देखिए एक्स बाई थ्री माइनस सेवन बराबर दिया हुआ है फोर क्या करेंगे एक्स बाई थ्री बराबर फोर ये माइनस सेवन को इधर भेजेंगे वो हो जाएगा प्लस सेवन यानी कि क्या मिल गया एक्स बाई थ्री बराबर फोर प्लस सेवन कितना होता है इलेवन यहां से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब यहां देखिए नीचे तीन डिविजन में था तो हमने क्या किया डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना होगा इलेवन इंटू थ्री यानी कि थर्टी थ्री यह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऐसे ही तीसरा पार्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखिए एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री लिखा है तो हमने जो रैशनल नंबर्स को जोड़ने का तरीका सीखा था वो याद है आपको टू और थ्री कैल्सियम लेंगे कितना आएगा सिक्स आएगा उसके बाद जब सिक्स आएगा तो टू थ्री या सिक्स होता है यानी कि ऊपर में भी थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये हो जाएगा थ्री एक्स और ये हो जाएगा टू एक्स स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से हमने रैशनल नंबर में जोड़ना सीखा था बराबर टेन थ्री एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा फाइव एक्स अपऑन सिक्स बराबर टेन यहां से फाइव एक्स बराबर सिक्स को इधर भेजना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यही स्टेप हमने सीखा है कि अगर इस नीचे डिवीजन में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में तो टेन इन सिक्स यानी कि फाइव एक्स बराबर हो गया सिक्सटी के या फिर हर जगह इंप्लाइज का साइन बनाएंगे एक्स बराबर हो जाएगा सिक्सटी बाई फाइव के और इसकी वैल्यू कितनी होती है ट्वेल्व क्योंकि ट्वेल्व फाइव सा सिक्सटी इसको आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट है कि एक्स माइनस थ्री अपॉइट फाइव प्लस एक्स माइनस फोर अपॉइन सेवन बराबर सिक्स माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन थर्टी फाइव ऐसे करके दिया हुआ है आपको समीकरण का हल निकालना है और उत्तर की जांच करनी है तो यहां वीडियो में हम सिर्फ इसका सोल्यूशन निकालेंगे जो इसका जांच करना है यानी कि सत्यापन करना है वो आप खुद से कोशिश करेंगे चलिए देखिए क्या करना है सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं सेवन फाइव सा कितना होता है थर्टी फाइव यानी कि हम सेवन और फाइव का हमने एलसीएम ले लिया और जिस तरीके से हमने फ्रैक्शनल एडिशन में पढ़ा था उसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन इन टू एक्स माइनस थ्री क्योंकि फाइव सेवन से थर्टी फाइव होता है तो उसको ऊपर वाले को भी सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस इसको पांच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स माइनस फोर बराबर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिक्स को सिक्स अपॉन वन लिख सकते हैं एलसीएम हो जाएगा थर्टी फाइव ये हो जाएगा सिक्स इन टू थर्टी फाइव माइनस टू एक्स प्लस वन ये माइनस टू एक्स ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा यहां से आप देख सकते हैं यहां भी पैंतीस है यहां भी पैंतीस है तो हम उसको दोनों तरफ से काट सकते हैं अब क्या हमारे पास सेवन एक्स माइनस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव फोर जा ट्वेंटी बराबर सिक्स इंटू थर्टी फाइव होता है टू हंड्रेड टेन माइनस टू एक्स प्लस वन आगे सिंप्लीफाई करते हैं सात और पांच ये सेवन एक्स और फाइव एक्स बारह एक्स हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी माइनस फोर्टी वन हो जाएगा यहां पे टू हंड्रेड टेन और वन मिलके टू हंड्रेड इलेवन माइनस टू एक्स सेकेंड केस के फॉर्म में आ गया है। ट्वेल्व एक्स इसको भेजेंगे प्लस टू एक्स बराबर टू वन वन प्लस फोर्टी वन फोर्टीन एक्स बराबर टू फाइव टू यहां से एक्स निकालेंगे टू फाइव टू अपॉन फोर्टीन और अगर हम टू फाइव टू को फोर्टीन से डिवाइड करें तो हम देख सकते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी 18 के बराबर आएगी तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया आपको सत्यापन करना होगा इसका तो एक बार आप एल एच एस लेके चलेंगे और एल एच एस में जहां जहां एक्स है वहां वहां अट्ठारह लिख के उसका मान निकालेंगे ऐसे ही आरएचएस में एक्स की जगह अट्ठारह लेके उसका मान निकालेंगे और अगर ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो बराबर आ जाती है तो सत्यापन हो जाएगा अगर वैल्यूज नहीं बराबर आती हैं, यानी कि आपने जो उत्तर निकाला है वो गलत है तो फिर आप वापस से अपने स्टेप्स को चेक कर सकते हैं आज की क्लास के लिए बस इतना ही आपका होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज सिक्स ए और सिक्स बी ये दो एक्सरसाइजेस को क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थैंक यू क्लास